नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए पांच प्रकार के महालक्ष्मी योग लेके आया हूं, जो कुंडली में स्थित होते हैं वह हम किस तरह से देख सकते हैं, इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। वह जो पांच लक्ष्मी योग हैं, उसमें से प्रथम लक्ष्मी योग, द्वितीय महालक्ष्मी योग, तृतीय श्री महालक्ष्मी योग, चतुर्थ अष्टलक्ष्मी योग, पंचम नवलक्ष्मी योग। तो इन आज पांच महायोगों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। तो सर्वप्रथम जिस योग के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, लक्ष्मी योग। लक्ष्मी योग का निर्माण कैसे होता है? अगर भाग्येश जाकर केंद्र स्थान में बैठ जाते हैं, भाग्य भाव के जो स्वामी होते हैं वह केंद्र स्थान में बैठ जाते हैं, और वह उच्च के हों, मूल त्रिकोण के हों, स्वराशि के हों या मित्र राशि के हों, तथा लग्नेश भी बलवान हो, अगर भाग्येश जाकर केंद्र स्थान में बैठ जाएं, वह उच्च के हों या अपनी ही राशि में बैठे हों या मित्र राशि में बैठे हों और लग्नेश भी बलवान हो, तो कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली के जो त्रिकोण होते हैं उनको लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, और जो केंद्र स्थान होते हैं उनको विष्णु की संज्ञा दी गई है। तो जब भी अगर लक्ष्मी का संबंध विष्णु से होगा तो वह एक महायोग बन जाएगा। अगर ऐसा किसी जातक की कुंडली में ऐसा योग बनता है तो ऐसा जातक बहुत धनी होता है। द्वितीय जो योग है महालक्ष्मी योग, लग्नेश जाकर त्रिकोण में बैठ जाएं, अगर लग्न के जो स्वामी हैं वह जाकर त्रिकोण में बैठ जाते हैं और धन भाव का स्वामी आय भाव में आकर बैठ जाए, मतलब द्वितीय भाव में जो राशि लिखी है उनके स्वामी आकर आय भाव एकादश भाव में बैठ जाए। इसके अलावा धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी हो तो ऐसा जातक भी बहुत ज्यादा धनी होता है, कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। तृतीय जो योग है श्री महालक्ष्मी योग, यह कुंडली में बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति बन नहीं पाती कुंडली में, बहुत कम लोगों की कुंडली में यह देखा जाता है, और जिन लोगों की कुंडली में होता है वह राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। इस योग का निर्माण पंचम और नवम भाव, पंचमेश और नवमेश, पंचम भाव में जो राशि लिखी है उनके स्वामी और नवम भाव में जो राशि लिखी है उनके स्वामी आकर केंद्र में विराजमान हो जाए और उन पर किन्हीं तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए। अब यह तभी संभव है जब वह दोनों पंचमेश और नवमेश युति बनाकर कहीं एक भाव पर बैठे हों, तभी यह संभव है उनमें तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, अगर अलग अलग होंगे तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए उन दोनों ग्रहों की युति होना केंद्र स्थान पर बहुत जरूरी है, और उन पर अगर तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाती है, पहले तो अगर दो की भी पड़ती है या एक की पड़ती है, या अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं भी पड़ती है तो पंचमेश और भाग्येश का केंद्र में विराजमान होना ही एक बड़ा योग है। लेकिन अगर तीन शुभ ग्रहों की दृष्टि इन ग्रहों पर पड़ती है तो यह एक बहुत बड़ा महाधनी योग होता है, जिसे हम श्री महालक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। चौथा जो योग है अष्टलक्ष्मी योग, अष्टलक्ष्मी योग का निर्माण कुंडली के षष्ठम भाव में राहु विराजमान हो और केंद्र भाव में जाकर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए, केंद्र भाव 1, 4, 7 और 10 इन भावों में जाकर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए। तो राहु अगर षष्ठम स्थान में विराजमान होंगे, षष्ठम स्थान पर बैठकर शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, दूसरा उनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी वह कर्म भाव दशम भाव पर रहेगी, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होगा, और ऊपर से देवगुरु जाकर अगर केंद्र स्थान में विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत धनी होता है।
इस योग को हम अष्टलक्ष्मी योग के नाम से जानते हैं। अब जो अंतिम जो योग है वह है नवलक्ष्मी योग। यह भी बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम लोगों की कुंडली में यह स्थिति देखी जाती है। अगर आय भाव का स्वामी केंद्र पर हो, आय भाव यानी एकादश भाव का, एकादश भाव में जो राशि लिखी है उनके स्वामी केंद्र पर आकर बैठ जाए, केंद्र यानी 1, 4, 7 और 10 इन भावों में से कहीं पर बैठ जाए। आय भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी केंद्र में आकर बैठ जाए और वहां पर बैठकर वो आय भाव को देखे। और लग्नेश जो लग्न के स्वामी है वह एकादश भाव आय भाव में जाकर बैठ जाए। और जो हमारे नवम भाव भाग्येश हैं वह अपने ही भाव पर जाकर बैठ जाए, भाग्य भाव में ही जाकर भाग्येश बैठ जाए। तो यह भी एक नव लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है कुंडली में। अब यह जो यह योग बनेगा यह दो ही ग्रहों की वजह से बन सकता है, मंगल और गुरु, क्योंकि केंद्र में बैठकर आय भाव को यही दो ग्रह देख सकते हैं। अगर केंद्र में विराजमान हो, जैसे अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान में विराजमान होकर आय भाव को देख सकते हैं और मंगल चतुर्थ स्थान में बैठकर अपनी अष्टम दृष्टि से आय भाव को देख सकते हैं। तो यह जो योग का निर्माण होता है तो वह इन्हीं दो ग्रहों की वजह से हो पाएगा। इनमें से कोई भी एक ग्रह केंद्र स्थान में बैठा हो, मंगल चतुर्थ में बैठकर यह स्थिति का निर्माण कर सकते हैं, या देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठकर इस स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। और यह बहुत कम देखा जाता है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि यह कुंडली में योग बहुत कम देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आगे आने वाले समय में भी मैं इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूंगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।